जानिए ओम महामंत्र की रहस्यमयी शक्ति एवं उसके चमत्कारी लाभ। सनातन धर्म में ओम महामंत्र का बहुत महत्व है। यह हर मंत्र में बोला जाता है। हिंदू धर्म में चाहे उपासना हो या किसी भी ग्रंथ को पढ़ा जा रहा हो, आप कई बार इस महामंत्र को सुनते हैं। यह एक शब्द नहीं है बल्कि एक नाद है जिसमें समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा व्याप्त है। धर्म शास्त्रों में यही उत्प्रणव नाम से भी पुकारा गया है। असल में इस पवित्र अक्षर व नाम से गहरे अर्थ व दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हैं, जो अलग अलग पुराणों और शास्त्रों में कई तरह से बताई गई हैं। विशेष रूप से शिव पुराण में ओंकार के प्रणव नाम से जुड़ी शक्तियों, स्वरूप व प्रभाव के गहरे रहस्य बताए हैं। शिव पुराण के अनुसार प्रणव यानी वो शब्द जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हो। ओम महामंत्र की शक्ति एवं लाभ। एक शोध के नतीजे बताते हैं कि व्यक्ति के इस स्तर तक पहुंचने में मंत्र जप और स्थिरता पूर्वक बैठने के दोनों ही कारण बराबर उपयोगी हैं। दोनों में से एक भी गड़बड़ हुआ तो कठिनाई हो सकती है। भारत में तो बच्चा बच्चा पालथी लगाकर आसानी से बैठ जाते हैं, जबकि बाहर के देशों में भी ध्यान की कक्षा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद जप और ध्यान सीखते समय ही बैठने की इस तकनीक का अभ्यास शुरू कर देते हैं। दो, अन्य हिंदू शास्त्रों में भी ओंकार को भगवान का ही रूप माना जाता है, इसलिए यह एक अक्षर ब्रह्म भी कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं में प्रणव मंत्र में देवों की सामूहिक शक्ति समाई है। यह गायत्री और वेद रूपी ज्ञान शक्ति का भी स्रोत माना गया है। तीन, कुलंग। शिव पुराण के अनुसार प्रथम यानी प्रपंच, न यानी नहीं और यानी तुम लोगों के लिए। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के सबसे अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही वजह है कि उनको प्रणव नाम से जाना जाता है। चार, कुलंग। दूसरे अर्थों में प्रणव को प्रयानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली नवंबर यानी नाव बताया गया है। इसी तरह ऋषि मुनियों की दृष्टि से प्रथम प्रकर्षेण, ननय और युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव बताया गया है। इसका सरल शब्दों में मतलब है हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला होने से यह प्रणव है। पांच, कुलंग। धार्मिक दृष्टि से परब्रह्म या महेश्वर स्वरूप ही नवंबर या नया और पवित्र माना जाता है। प्रणव मंत्र से उपासक नया ज्ञान और शिव स्वरूप पा लेता है, इसलिए भी यह प्रणव कहा गया है। छह, कुलंग। शिव पुराण की तरह अन्य हिंदू धर्म शास्त्रों में भी प्रणव यानी ऐसा अक्षर स्वरूप साक्षात ईश्वर माना जाता है और मंत्र भी, इसलिए यह एक अक्षर ब्रह्म भी कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं में प्रणव मंत्र में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव की सामूहिक शक्ति समाई है। यह गायत्री और वेद रूपी ज्ञान शक्ति का भी स्रोत माना गया है। सात, कुलंग। आध्यात्मिक दर्शन है कि प्रणय यानी बोलने या ध्यान से शरीर मन और विचारों पर शुभ प्रभाव होता है। वैज्ञानिक नजरिए से भी प्रणव मंत्र यानी बोलते वक्त पैदा हुई शब्द शक्ति और ऊर्जा के साथ शरीर के अंगों जैसे मुंह, नाक, गले और फेफड़ों से आने जाने वाली शुद्ध वायु मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अनेक हार्मोन और खून के दबाव को नियंत्रित करती है। इसके असर से मन मस्तिष्क शांत रहने के साथ ही खून के भी स्वच्छ होने से दिल भी सेहतमंद रहता है, जिससे मानसिक एकाग्रता व कार्य क्षमता बढ़ती है। व्यक्ति मानसिक और दिल की बीमारियों से मुक्त रहता है। आठ, कुलंग। सुखासन में बैठकर 40 मिनट प्रतिदिन उनका जप किया जाए तो 7 दिन में ही अपनी प्रकृति में बदलाव आता महसूस होने लगता है। 6 सप्ताह में तो 50% तक बदलाव आ जाता है। ये लोग उन 2% लोगों में शुमार हो जाते हैं जो संकल्प कर लें तो अपने से 50 गुना ज्यादा लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। 9, कुलंग। एक अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि व्यक्ति के इस स्तर तक पहुंचने में मंत्र जप और स्थिरता पूर्वक बैठने के दोनों ही कारण बराबर उपयोगी हैं। दोनों में से एक भी गड़बड़ हुआ तो कठिनाई हो सकती है। हमारे यहाँ तो पालथी लगाकर सब लोग बहुत आसानी से बैठ जाते हैं, जबकि बाहर के देशों में भी ध्यान की कक्षा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद जप और ध्यान सीखते समय ही बैठने की इस तकनीक का अभ्यास शुरू कर देते हैं। 10, कुलंग। सुखासन में बैठकर मंत्र जप करने से या विधिवत अजपा करने से मन में लगातार जप उसके कामयाब होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वे लक्षण यह है कि मंत्र जिस देवता की आराधना में है उसकी विशेषताएं साधक में दिखाई देने लगती हैं। 11, कुलंग। दार्शनिक पॉल ब्रंटन ने अपनी पुस्तक इन द सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया में उन साधु संतों के बारे में और उनकी साधना विधियों के बारे में लिखा है। पॉल ब्रंटन ने लिखा है कि सिद्धों और चमत्कारी साधुओं की शक्ति सामर्थ्य का रहस्य बहुत कुछ उनके स्थिरता पूर्वक बैठने में था। 12, कुलंग। एक और बात, अगर आप टोनोस्कोप
ध्वनि को देखने का यंत्र में ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको भारतीय ज्योतिष में इस्तेमाल किए जाने वाला श्री यंत्र बना दिखाई देगा। तब तो आपको अपने हिंदू होने पर गर्व अवश्य होगा।